श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णकरुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णु पदाय कृष्ण कृष्ण भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नाम नमस्ते। सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओके हमने आत्मा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर हमने डिस्कशन करी थी लास्ट टाइम। तो वर्स नंबर 19 तक हमने डिस्कस किया था। इज इट राइट? 19th राइट? यस प्रभु 19। तो अब से आज से लेके अब 20th से लेके 25th तक आत्मा के फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, आत्मा के स्वभाव के बारे में डिस्कशन है। बट बड़े इंटरेस्टिंग वर्सेस हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से भगवान बता रहे हैं इस चैप्टर में। अलग अलग एंगल्स है तो जिनको जिनको हु लाइक्स टू जिनको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है डिफरेंट डिफरेंट एंगल से फिलोसफी को समझने का, दे विल रियली रिलिश इट। उनको बहुत पसंद आएगा कि किस तरह सेम सेम ट्रूथ, सेम तत्व को, सेम सिद्धांत को भगवान अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वर्स नंबर 20 20वां श्लोक खोल लो। एक चीज प्लीज याद रखना, जब भी हम बात कर रहे हैं आत्मा की, वो सुनने में ऐसा लगता है कि हम शायद किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। हाँ, ओ आत्मा, ओके, आत्मा का ये स्वभाव है। जब भी हम बोल रहे हैं आत्मा की बात कर रहे हैं, हम एक्चुअली अपनी बात कर रहे हैं। तो अभी ये श्लोक, ये अब से जितने भी श्लोक हम सुनेंगे, प्लीज ये सोच के सुनना कि वो हमारी बात की जा रही है। हाँ, हमें कोई नहीं मार सकता, हमारे को कोई नहीं जला सकता। तो अभी ये जो श्लोक हम पढ़ेंगे ये बहुत डायरेक्ट है, बहुत बहुत ही अमेजिंग श्लोक है एक्चुअली। शब्द आत्मा इसलिए इस्तेमाल हो रहा है बिकॉज यहाँ पे भगवान एक तत्व को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, एक तत्व, एक सिद्धांत को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जिसका वो सिद्धांत है, आत्मा का वो सिद्धांत है, तो उसको बताया जा रहा है। बट हम ही आत्मा है, हमारी बात हो रही है। एग्जैक्टली। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नयम् भूत्वा भावितवान् भूय अजो नित्यो शाश्वतोऽयम् पुराणो नहन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। ये हमने बहुत बारी सुन लिया। वापिस से सेम पॉइंट को भगवान स्ट्रेस कर रहे हैं। आत्मा के लिए कोई जन्म मृत्यु कभी भी नहीं है। अब ये भगवान बड़ा इंटरेस्टिंग यूज कर रहे हैं। श्लोक दिखाना एक बारी। अजो नित्य शाश्वत पुराना, ये चार यूज कर रहे हैं भगवान आत्मा के लिए। आत्मा अजो है, अनबॉर्न, कभी जन्म नहीं होता, अजन्मी है। नित्य है, हाँ,
हमेशा से इटर्नल है, हमेशा टाइम नहीं, इटर्नल है आत्मा, का कोई टाइम नहीं कि एग्जिस्टेंस में कब आई थी, शाश्वत है, स्थाई है कंप्लीटली। शाश्वत मीन्स परमानेंट रहती है, सेम रहती है हर समय, और पुराना सबसे प्राचीन भी है। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स इस श्लोक में बताए हैं। तो तात्पर्य हम पढ़ते हैं, और श्लोक का मतलब ट्रांसलेशन, आत्मा के लिए कभी भी किसी काल में न जन्म है न मृत्यु है, वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। तो ना कभी पास्ट में आत्मा पैदा हुई थी, ना फ्यूचर में कभी होगी, ना प्रेजेंट में कभी जन्म ले रही है आत्मा, ना कभी एग्जिस्टेंस में आई थी, ना एग्जिस्टेंस में आ रही है, और ना ही फ्यूचर में कभी आत्मा एग्जिस्टेंस में आएगी। क्यों? क्योंकि आत्मा अगली लाइन में क्या है, वो अजन्मा है, वो नित्य है, इटर्नल है, कोई टाइम नहीं है कब आत्मा आई थी, क्योंकि हमेशा से एग्जिस्ट करती है, शाश्वत है, परमानेंट रहती है, और पुरातन पुरानी है, सबसे पुरानी। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता, आत्मा नहीं मरती। अब यहाँ पे हम इस श्लोक में आत्मा को हटा के लगाएंगे मैं, मेरे लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। मैं ना तो कभी जन्मा हूं, ना कभी जन्म लेता हूं, ना ही कभी जन्म लूंगा। मैं अजन्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, और मैं सबसे पुराना हूं। मेरे शरीर के मारे जाने पे मैं नहीं मारा जाता। इंटरेस्टिंग ना, जस्ट यू चेंज, आत्मा से खुद को लगा दो तो यू स्टार्ट टू रिलेट, हम रिलेट करने लगते हैं कि वो मेरी बात करी जा रही है। एग्जैक्टली इसका तात्पर्य बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ पॉइंट्स इसमें बहुत वैल्यूएबल हैं जो जो हम डिस्कस करेंगे अभी। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणुवंश परम से अभिन्न है। क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो जो जो आत्मा है वो क्या है, भगवान का पार्ट है, फ्रेगमेंट पार्ट है, भगवान का ही अंश निकल के भगवान से। जो क्वालिटीज में हम में और भगवान में अंतर ज्यादा नहीं है, आत्मा के स्तर पे बात कर रहा हूँ मैं। वह शरीर की भांति विकार नहीं है, विकारी नहीं है, कोई चेंज नहीं होता सोल में। कभी कभी आत्मा को स्थाई या कुटस्थ कहा जाता है शरीर में। अब आत्मा को क्यों परमानेंट बोला जाता है, शरीर को परमानेंट क्यों नहीं बोला जाता, आत्मा को परमानेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि शरीर में 6 प्रकार के चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं? वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, पहला जन्म, कुछ काल तक रहता है, फिर बढ़ता है, ग्रोथ होती है उसमें, हाँ, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, बच्चा पैदा करता है, रिप्रोड्यूस करता है, कोई भी स्पीशी में हो, कोई भी योनि में हो, पेड़ है, पौधा है, जानवर है, कुछ भी है, फिर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है, 5 हो गए, और छठा उसमें मृत्यु होती है, अंत में समाप्त हो जाता है। ये 6 चेंजेस हर वो चीज जो जन्म लेगी, जिसके पास एक मेटीरियल शरीर, भौतिक शरीर है, उसमें 6 चेंजेस आते हैं। अब आत्मा को क्यों शाश्वत बोला है? क्योंकि आत्मा में कोई चेंज नहीं आता, किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते, आत्मा अजन्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है। क्योंकि आत्मा शरीर को धारण करती है इसलिए शरीर को जन्म लेने का चांस मिलता है, अदरवाइज शरीर तो डेड मैटर है, उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है इस चेंजेस की। आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, ये श्लोक आगे आएगा। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता अतः उसका ना तो भूत ना पास्ट है, ना वर्तमान ना प्रेजेंट है, ना भविष्य ना फ्यूचर है। तो आत्मा का कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता। इंटरेस्टिंग है, इससे क्वेश्चंस उठ सकते हैं काफी सारे। तो फिर मेरा कर्म क्या है?
और मेरे को फ्यूचर में सुख दुख मिलेगा वो क्या है? अगर आत्मा जो मैं हूँ, मेरा कोई पास्ट ही नहीं है, मेरा कोई प्रेजेंट ही नहीं है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, तो फिर ये कर्म के साइकिल क्या है? इसको दिमाग में रखना, एंड में डिस्कस करूंगी, अगर भूल जाऊँ तो पूछ लेना। वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है। ये तीनों वर्ड सुनने में बड़े सिमिलर लगते हैं, मीनिंग बड़े सिमिलर है। नित्य नित्य मीन्स एटर्नल है, हमेशा से हमेशा तक है। शाश्वत मीन्स परमानेंट है, हमेशा से हमेशा तक परमानेंट रहेगा। और सनातन का मतलब भी अभी जिसका जन्म मरण नहीं होता, अर्थात उसके जन्म लेने का ना कोई इतिहास का कोई इतिहास नहीं है। देयर इज नो टाइम जब आत्मा इस सृष्टि में आई थी। इंटरनेट हम शरीर के प्रभाव है, में इंटरनेट रहकर, सुनिए। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे को आदत है ना, हमारे को आदत है हर चीज का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानने की, इस शरीर के कारण। तो हम आत्मा पे भी सेम रूल लागू करते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होती, अतः तथा कथित वृद्ध पुरुष भी अपने को बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। अब एक बूढ़ा व्यक्ति भी अपने को यूथफुल फील करता है, जवान फील करता है, क्योंकि आत्मा बूढ़ी नहीं होती कभी भी, सिर्फ शरीर बूढ़ा होता है। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये तात्पर्य को स्किप नहीं करना चाहता था। इसमें बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। अब हम कई बार सुनते हैं कि अरे ये बूढ़ा व्यक्ति हो गया, कई लोग उसको उसके अलग अलग बात में अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अरे ये तो बड़ा चिड़चिड़ा है, ये सठिया आ गया, क्या क्या बोलते हैं ना कि बूढ़े वृद्ध व्यक्ति के लिए, जो जो गलत है ये शब्द इस्तेमाल करना। बट ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि अरे हर समय टाइम टाइम तुम्हारी लगी रहती है, हर समय तुम कंप्लेन करते रहते हो, हर समय दुखी रहते हो, गुस्से में रहते हो, क्रैंकी रहते हो। हाँ, बूढ़े व्यक्ति के लिए बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है कि बूढ़ा व्यक्ति तो है वो, उसको हर चीज, एंड जब बूढ़ा बूढ़ा इतना हो जाता है कि उसको अपनी हर बात गाली देके करानी पड़ती है, क्योंकि घर वाले इस पे रिस्पेक्ट ही नहीं करते। अगर वो इज्जत इज्जत की जिंदगी ना जिए प्रॉपर तरीके से। तो अभी जो बूढ़ा व्यक्ति है, ये समझना प्लीज, अगर आप इसको समझ गए तो बहुत मेजर सिद्धांत को आप समझ जाओगे। इस समय अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल दो, ठीक है, बिल्कुल नहीं होता। अभी नेक्स्ट लाइफ को भूलना नहीं है, इसी जन्म की बात कर रहे हैं हम। शरीर बड़ा हो रहा है ये हम सब जानते हैं, हम सब देखते भी हैं, इसमें शास्त्रों के धर्म को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। शरीर बड़ा हो रहा है, अब शरीर बड़ा हो रहा है तो मन में इच्छाएं उठती हैं व्यक्ति के। अब शरीर जब बड़ा हुआ, और शरीर के बड़ा होने पे मन में इच्छाएं आ रही हैं, और अब शरीर जवान है, तो जितनी इच्छाएं उठ रही हैं उस व्यक्ति के मन में, वो सारी की सारी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करता है। हाँ, वो अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करता है एक जवान व्यक्ति। तो जो जो उसके मन में इच्छाएं आती हैं, यहाँ घूमने जाना है, वहां घूमने जाना है, इससे दोस्ती, ये खाना है, वो पीना है, ये नशा करना है, जुआ खेलना है, पराई पुरुष स्त्री का संग करना है, जो भी करना है, उसके मन में अच्छी बुरी जैसी भी इच्छा आती है, जो भी इसके मन में इच्छाएं उठती हैं, वो अपने, क्योंकि जवान शरीर है, वो इच्छाओं को पूरी करता है। अब शरीर जो है वो धीरे 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 कमजोर हो रहा है, साल बर साल। बट जो मन है, अब मन तो शरीर की तरह नहीं है, मन तो बूढ़ा होता नहीं है। अब शरीर कमजोर हो रहा है और मन की जो इच्छाएं हैं वो और स्ट्रांग हो रही हैं पिछली इच्छाओं की पूर्ति के वजह से। और ये व्यक्ति अपनी जवानी में कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहा जिससे ये मन पे नियंत्रण लाए, अपने मन को प्यूरिफाई करे, काबू करे, उस पर कुछ लगाम कसे। तो प्लीज समझना इस ग्राफ को, कि पहले शरीर जवान हो रहा था बचपन से लेके, और इच्छाएं बढ़ रही थी, इच्छाएं बढ़ रही थी, शरीर बढ़ रहा था, और शरीर इच्छाओं की पूर्ति कर रहा था और इच्छाएं बढ़ रही थी, शरीर इच्छाओं की पूर्ति कर रहा था और इच्छाएं बढ़ रही थी।
हाँ, किसी को एडल्ट मूवी देखने का शौक है, किसी को पब बाहर वगैरह में जाने का शौक है, किसी को ट्रैकिंग करनी है, किसी को पूरे वर्ल्ड टूर पे जाना, अभी तो सब बंद पड़ा है। तो सबकी अलग अलग अपनी अपनी इच्छाएं हैं। तो शरीर बढ़ रहा है, इच्छाएं बढ़ रही हैं, शरीर बढ़ रहा है, इच्छाएं बढ़ रही हैं, बट एक समय आएगा शरीर नीचे जाना शुरू हो जाएगा, बट इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, और शरीर नीचे जा रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहा अपने जीवन में जिससे ये अपनी इच्छाओं को, डिजायर्स को प्यूरिफाई करे, अपने डिजायर्स को स्पिरिचुअलाइज करे, अपने डिजायर्स को पे नियंत्रण डाले। तो हो क्या रहा है कि शरीर जब बहुत बूढ़ा हो जाता है और बहुत नीचे चला जाता है, इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं, तो इमेजिन करो एक ऐसा व्यक्ति जो केवल इच्छा कर पा रहा है और उसमें से कोई भी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पा रहा, उसका फ्रस्ट्रेशन का लेवल सोचो। अभी हम जवान हैं, फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे को बहुत सारी इच्छाएं हैं, कितने सारे लोग क्यों इतना डिस्टर्ब हो गए मेंटली भी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनको घर में बैठना पड़ गया, और घर में बैठना पड़ गया तो डिजायर्स तो हैं घूमने की, खाने की, पीने की, जाने की, सब, बट कहीं जा नहीं पा रहे। तो आप ये इमेजिन कर लो कि ये लॉकडाउन 20 साल का है आपके लिए, और ये लॉकडाउन और से और स्ट्रिक्ट होता जा रहा है आपके लिए, ये आपको और से और रिस्ट्रिक्ट करता जा रहा है, और से और टाइट होता जा रहा है हमारे ऊपर। 65 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में किसी को लॉकडाउन शुरू हुआ, और 80 साल तक ये इतना स्ट्रिक्ट हो जाएगा लॉकडाउन हमारे ऊपर कि वो व्यक्ति घर से बाहर नहीं, कमरे से बाहर नहीं, बिस्तर से बाहर भी नहीं जा पाएगा, और वो व्यक्ति बिस्तर से बाहर भी नहीं उठ के जा पाएगा, और वो व्यक्ति की इच्छाएं फुल स्पीड पे खड़ी हैं। अच्छे से जस्ट इमेजिन दिस, इसको टेक्नोलॉजिकली सोच के देखना सिर्फ। तो अभी ऐसे व्यक्ति का जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है वो इतना ज्यादा हो जाता है क्योंकि उसने अपने लाइफ में ये सिद्धांतों को, ये सुपीरियर नॉलेज को कभी जोड़ा ही नहीं, कभी इसके बेसिस पे जीवन जीने की कोशिश ही नहीं किया, कभी इन सिद्धांतों के हिसाब से अपने को प्यूरिफाई करने का सोचा ही नहीं, कभी हायर कुछ ऊंची इच्छाएं रखी नहीं, सारी ओछी इच्छाएं रखी, ऊंची इच्छाएं नहीं रखी, हायर क्लीन डिजायर्स नहीं रखी, सारी गिरती हुई घटिया निचली डिजायर्स रखी। तो ये तो सिर्फ इस शरीर में ही हमारे को सब देखने को मिल जाएगा। अब इमेजिन करो कर्म का सिद्धांत बीच में ले आओ, जो पाप करे हैं, जो गंद किया है, उसका भोगना भी पड़ेगा, उसके हिसाब से अगला जन्म भी लेना पड़ेगा, और उसके हिसाब से फिर से सुख या दुख भोगने पड़ेंगे। तो जब इसी ही जीवन में हम देखते हैं कि ये तो बहुत ही बड़ा नुकसान मैं भुगतने वाला हूं अगर मैंने अपने को अभी सही रास्ते पे नहीं डाला, तो अगले जन्म में या नरकों या स्वर्गों में जो भी रिजल्ट मिलेंगे उसका तो बहुत मल्टीप्लाई कर दो भुगतान। तो ये हमारे को बहुत प्रयास करना पड़ेगा अपने प्योर डिजायर्स को प्यूरिफाई करने का। अब करें कैसे, उसके लिए तीन चीजें बड़ी मस्त हैं, साधु, गुरु और शास्त्र, इन तीनों का शरण लेना, इन तीनों से हेल्प लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हम उसमें से शास्त्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो साधुओं ने, प्रभुपाद जी ने भगवद गीता में सिखाया है। तो ये हमारा सोर्स बनेगा अपने मन पे नियंत्रण लाने का, और नियंत्रण हमारे को फोर्सफुली तो लाना नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट तो है नहीं कि हम अपने मन पे नियंत्रण फोर्सफुली लाएं, किसी को भी फोर्स नहीं पसंद, हमें प्यूरिफिकेशन करना है, हाँ, फोर्स नहीं करना। तो इसलिए ये सिद्धांत बड़े इंपॉर्टेंट है समझने। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तुओं की तरह क्षीण नहीं होता, आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती, शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं, शरीर बच्चे पैदा करता है, आत्मा कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता आत्मा का, और वह भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और जो शरीर के कारण वे किसी ना किसी की संतानें प्रतीत होती हैं।
शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई उपवृद्धि है ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर से के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। नीचे अभी कठोपनिषद में ये जो श्लोक आप देख लो, हाँ ये आप एक बार श्लोक दिखाना दोबारा से, कठोपनिषद में बड़ा ही सिमिलर श्लोक वापिस से आता है। न जायते म्रियते वा विपश्चिन। अब इस श्लोक में क्या था, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नयम कुताश्चिन न भा बभूव कश्चित्, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण ना हन्यते हन्य माने शरीरे। बहुत सिमिलर है, हाँ ऑलमोस्ट सिमिलर है, आई वुड से 90% सिमिलर है। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। जो ज्ञानमय व्यक्ति है, हाँ जो ज्ञान में जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो ये जानता है। आत्मज्ञान से ये आत्मा आत्मज्ञान या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। आत्मा जो सोल है वो ज्ञान और कॉन्शियसनेस, नॉलेज और कॉन्शियसनेस से कंप्लीट है। अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्म एक है हृदयस्थ हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। अभी कोई आत्मा जो है वो हृदय के स्थान में रहती है, अब कोई दिल में ढूंढता रहे, में सर्जरी करे ढूंढने के लिए कि सोल कहाँ पे सिचुएटेड है, बट वो नहीं ढूंढ सकता क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत सटल है। बट वो सोल को कैसे आइडेंटिफाई करता है, वो देखता है ओ शरीर में चेतना है मतलब आत्मा है। मरे हुए व्यक्ति में और एक जीवित व्यक्ति में केमिकल्स का फर्क नहीं होता, कॉन्शियसनेस का फर्क है, चेतना का फर्क है जो आत्मा की प्रेजेंस से आती है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों में से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि ये दिन का समय है। वेरी नाइस एग्जाम्पल। यहाँ पे आत्मा जो है वो सूर्य है और सूर्य का जो प्रकाश है वो चेतना है शरीर में। प्रातः काल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार क्योंकि शरीर में चाहे पशु के हो या पुरुषों के, कुछ ना कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है। अब हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो भगवान से अलग है। आत्मा और परमात्मा दोनों हृदय में एक साथ रहते हैं, बट कहीं स्पिरिचुअलिस्ट ऐसे हैं, कहीं ऐसे अध्यात्मवादी हैं जो इन दोनों को एक बना देते हैं। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि हम एक नहीं है, क्योंकि भगवान को पूर्ण ज्ञान है, वो सर्वज्ञ है, वो सब जानते हैं, हम नहीं सब कुछ जानते। भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है भगवान। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है, जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। हाँ वेरी इंटरेस्टिंग। हम भूल जाते हैं अपनी रियलिटी, हमें हमें अपनी रियलिटी भूल जाती है, पर भगवान को ऐसा नहीं भूलते, क्योंकि अगर भगवान भी अपनी रियलिटी भूलते तो क्यों, तो अगली लाइन में लिखिए, यदि वह ऐसा होता कि कृष्ण भी अपनी रियलिटी को भूल जाते तो उनके द्वारा दिए गए भगवद गीता का उपदेश व्यर्थ होता। हाँ भगवान के द्वारा जो नॉलेज दी गई है वो व्यर्थ होती। आत्मा के 2 प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, 2 प्रकार की आत्मा है, एक तो है अणु और एक है विभु। अणु मीन्स हम छोटी सी आत्मा, विभू मीन्स भगवान बहुत बड़ी आत्मा। अनोर अणियाम महतो महियाम आत्मस्य जंतो निहित गुहायाम तम अक्रतुः पश्यति वीतशोक धातु प्रसादान महिमान आत्मनः।
अब ये किस लिए बताया जा रहा है कि इसी शरीर में आत्मा और परमात्मा दो अलग एंटिटीज हैं, इसमें कंफ्यूज कभी मत होना। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी इस वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इन इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा है, परमात्मा के भी उद्गम है। अब परमात्मा जो है वो भी भगवान की एक्सपेंशन है, कृष्ण की एक्सपेंशन है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा। और अर्जुन अणु आत्मा है के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। नाइस रेफरेंस। एक्चुअली प्रभुपाद के तात्पर्य में एक चीज हम बहुत कॉन्स्टेंट देखेंगे, और वो ये है कि वो अपने क्लेम्स को शास्त्र के रेफरेंस से सब्सटैंशिएट करते हैं, शास्त्र के रेफरेंस देके उसको उसको स्थापित करते हैं। अपने मन से नहीं बोलते, मैंने ऐसे सुना था, ऐसा मेरे को लगता है, मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, नहीं, ये शास्त्र में ऐसा ऐसा बोला गया है और उसका रेफरेंस दिया है। और ये रेफरेंसेस हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि हम विम्सिकली किसी का मन फॉलो नहीं कर रहे, हम एक शास्त्र का एग्जैक्ट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। अगला श्लोक कंटिन्यू कर रहे हैं अभी, आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स हुए, बड़े अच्छे श्लोक हैं सारे। वेद अविनाशी नाम नित्यम यो एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा वापिस से अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। अब ये थोड़ा सा क्रिप्टिक है, ये इतना डायरेक्ट श्लोक नहीं है। अभी भगवान भी जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, अव्यय है, तो वो किसी को कैसे मरवा सकता है या मार सकता है। और अर्जुन को भी भगवान वाले समझा रहे हैं, तो बट समझा तो भगवान रहे हैं और अर्जुन को ही समझा रहे हैं, बट दोनों मिलके करोड़ों लोगों को मारेंगे भी अभी, तो क्या मतलब है इसका? वो तात्पर्य में बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन किया गया। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु को कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। हर चीज की अपनी यूटिलाइजेशन है, इसी प्रकार हिंसा ये भी अपनी उपयोगिता है। वायलेंस को भी कैसे यूज करना है वो भी आना चाहिए, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। इस तात्पर्य में आगे एग्जाम्पल आएगा, हम पूरा तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे। इस तात्पर्य में आगे एग्जाम्पल आएगा कि एक सर्जन है वो भी नाइफ लेता है, और एक खूनी है वो भी नाइफ लेता है, दोनों वायलेंस करते हैं नाइफ को चाकू को चला के, बट एक सर्जन, एक जो वायलेंस कर रहा है, हाँ, उसको पता है कि ये वायलेंस करनी कैसे है। अभी तो तुम्हारा जो जो तुम्हारा जख्म है उसको काटूंगा तो दर्द होगा, ये शरीर कटता हुआ दिखेगा, बट ये बड़ी बीमारी से बचाने के लिए है और आगे चल के सुख देगा। तो जिसको ये पता है कि हिंसा का इस्तेमाल करना कैसे है, वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति को वही सिर्फ हिंसा करना अलाउड है। इसलिए जो पुराने समय में क्षत्रिय थे उनको शास्त्र नीति बहुत डिटेल से पढ़ाई जाती थी। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो पावर है, अपनी जो उनके पास फैसिलिटी है हिंसा करने की, उसका दुरुपयोग ना करें। हाँ, उसका दुरुपयोग ना करें। मनु संहिता में इसमें आगे लिखा, मनु संहिता में जो जो मनुष्यों की लॉ बुक है, मैनकाइंड की लॉ बुक है, उसमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है, अगर कोई क्रिमिनल मर्डर करता है और उसको अगर मृत्यु दंड नहीं मिलता, अगर उसको फांसी पे नहीं चढ़ा जाता, एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, जैसे बहुत सारी कंट्रीज में कैपिटल पनिशमेंट बंद कर दी है, भले जितना मर्जी से बड़ा बड़ा क्राइम किया हो उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। उसने अगर 10 लोगों को भी मार दिया है, अभी टेररिस्ट ने, अगर यूएस में कोई टेररिस्ट वगैरह ने मार भी दिया है,
10-20 लोगों को, और वो अगर पुलिस की गन फाइटिंग में मरा नहीं है तो ऐसा नहीं कि उसको एग्जीक्यूट कर देंगे जाके, उसको 40-50 साल की जेल में डाल देंगे, पूरा जीवन जेल में रखेंगे, बट उसको मारते नहीं है। क्यों? कुछ तो नियम लागू करें कि उसको पनिशमेंट ना दी जाए, कैपिटल पनिशमेंट ना दी जाए। इंडिया में भी बहुत लोग इसको पुश कर रहे हैं कि इंडिया से भी कैपिटल पनिशमेंट हटाओ, फांसी की सजा हटाओ। इसलिए हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में बहुत कम फांसी की सजाएं हुई है। एक तो सिस्टम बहुत करप्ट है, ऊपर से बहुत इजीली फांसी की सजा, मृत्यु मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। जबकि मनुसंहिता कहती है कि अगर किसी ने किसी का खून किया है और ये प्रूव हो जाता है कि वो खूनी है, तो राजा अगर उसको मृत्यु दंड दे देता है तो वो उस क्रिमिनल के लिए, उस मुजरिम के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि उसका पाप कर्म वहीं का वहीं समाप्त हो गया। अगर उसको मृत्यु दंड नहीं मिलता तो उसको बहुत मल्टीप्लाई करके कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ अपने पापों को भोगना पड़ता है अगले जन्म में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिनके पास पावर है उनको शास्त्र की नॉलेज हो, ताकि वो इस वायलेंस को तरीके से यूज कर सके। जैसे एक डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया गया है। तो अब यहाँ पे कृष्ण जो स्वयं शास्त्र के रचयिता हैं, और अर्जुन जो उसी शास्त्र के रचना करने वाले व्यक्ति का शिष्य है, अब ये दोनों बहुत अच्छे से जानते थे कि वायलेंस को इस्तेमाल करना कैसे है, और उन्होंने उस वायलेंस को इस्तेमाल सही तरीके से किया। इसलिए अर्जुन ने इतने लाखों लोग मारे, बट इतने सारे लाखों लोगों की हत्या का अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा। अभी एक एक सोल्जर होता है, वो बॉर्डर पे बहुत से दूसरे आर्मी के लोगों को मारता है, खून करता है, तो उसको ऐसा नहीं कि उसके ऊपर केस चलता है कोर्ट में आके। क्यों? क्योंकि उसने हायर अथॉरिटीज की इंस्ट्रक्शन में हजारों दुश्मनों को मारा, उसको जबकि परमवीर चक्र मिलता है। वही व्यक्ति, वही सोल्जर जिसने 2,000 लोग बॉर्डर में मारे होंगे, वही अगर किसी से झगड़ा कर ले रास्ते में, छुट्टी पे अपने घर आते समय, और वहां पे उसकी हड्डी तोड़ दे या बुरी तरह मारे या जान से मार दे, तो उस पे केस शुरू हो जाएगा, उसको सजा भी मिल सकती है बुरी तरह। क्यों? क्योंकि अब वो किसी हायर अथॉरिटीज की गाइडेंस में काम नहीं कर रहा था। तो इसलिए लास्ट लाइन देखो, इसके लास्ट लाइन निकालो। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाले युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है, कोई पाप नहीं मिलेगा उसमें। वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन। अगला श्लोक, अगला श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे श्लोक इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अगला श्लोक में भगवान एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं एक्चुअली में। भगवान बड़ा अच्छा एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, किस किस से क्या एग्जाम्पल, ये शरीर को कंपेयर कर रहे हैं कपड़े के साथ। हाँ, इस शरीर को कपड़े के साथ कंपेयर कर रहे हैं। वासं जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही। जिस प्रकार मनुष्य, और हम सब ये करते हैं एक्चुअली में, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, हाँ, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। तो ये जो बॉडी है इसको कपड़ों से कंपेयर किया है। अब जिस तरह आत्मा जब शरीर बूढ़ा होके रहने लायक नहीं रहता तो अपने अपार्टमेंट को चेंज कर लेती है और नए अपार्टमेंट में जाती है, उसी तरह एक व्यक्ति जब एक जैकेट को 4-5 साल पहन लिया या 2-3 साल पहन लिया और वो फटने लगी, घिस गई, तो वो उसको चेंज कर देता है और नई जैकेट खरीद के ले आता है। और इमेजिन करो, अभी भगवान ने तो बहुत सरलता से भगवान सिद्धांत बता दिया, अब हम इस जैकेट के लिए कितना लड़मड़ रहे हैं, जो शरीर है हमारा बेसिकली। क्यों क्यों
इतना हम परेशान हैं इस शरीर की मेंटेनेंस को लेके, ऐसा नहीं कि वो जरूरी नहीं है, बहुत नेसेसरी है, हम इतना स्ट्रेस्ड आउट क्यों हैं? क्योंकि इस जैकेट या इस शरीर के अलावा हमारी असली आइडेंटिटी क्या है उसका बोध नहीं है, उसकी समझ नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा एंग्जाइटी और बहुत जल्दी स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है व्यक्ति जैसे ही इस शरीर को कोई हानि होने लगे। इसलिए ऐसे जब हम श्लोक सुनते हैं तो हमारे अज्ञान को बड़ा अंदर जाके काटते हैं। और जिस सोचे व्यक्ति कोई कि पहली बात तो मैं अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर रहा हूं अपने जैकेट को चमकाने, और दूसरी बात जब ये जैकेट घिस जाएगी तो मैं तो ऑटोमेटिकली इसको उतार के फेंक दूंगा और नई जैकेट में चला जाऊंगा, जब मेरा शरीर बूढ़ा हो जाएगा मैं ऑटोमेटिकली नए शरीर को चला जाऊंगा, तो मैंने पूरा जीवन इस जैकेट के लिए क्यों बिताया? मैंने अपना पूरा जीवन इस जैकेट का ध्यान रखने के लिए क्यों बताया? सिर्फ ध्यान रखना है जैकेट का, बट सिर्फ उसका ध्यान नहीं रखना। हाँ, ये तात्पर्य है ऐसे एक्सप्लेनेशन का भगवान का। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट तात्पर्य है, तो हम स्किप नहीं करेंगे। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। अभी बॉडी चेंज होती है तो ये तो बड़ा नॉन फैक्ट है। आधुनिक वैज्ञानिक तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कुमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। अब साइंस ये तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कॉन्शियसनेस का सोर्स क्या है, जो एनर्जी बॉडी में आ रही है हार्ट से, वो उसका सोर्स वो कहाँ से आ रही है, उसका बेसिस क्या है? उनके लिए तो हार्ट एक मशीन है जो पंप कर रही है, बट जब ये पंप करना बंद करती है उनको पता नहीं चलता क्या प्रॉब्लम होगी, तो उसमें वो डिफेक्ट्स ढूंढते हैं, आर्टरीज ब्लॉक तो ये ब्लॉक वो ब्लॉक। तो ये जो चाइल्डहुड से बॉयहुड, बॉयहुड से यूथ, यूथ से ओल्ड एज, ये जो चेंज चला जा रहा है, और बूढ़ा बूढ़े होने के बाद व्यक्ति नए शरीर में चला जाता है, ये जो चेंज है इसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा हर किसी को। हाँ, पर क्योंकि वो आत्म तत्व को स्वीकार नहीं करते, आत्मा की नॉलेज को स्वीकार नहीं करते, नॉलेज बड़ी इनकम्प्लीट रह जाती है उनकी। ये हम 13वें श्लोक में पढ़ चुके हैं। अगला श्लोक पैराग्राफ, अणु आत्मा का दूसरा शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव होता है। अब नेक्स्ट बॉडी जो हमें मिलती है वो परमात्मा की कृपा से मिलती है, परमात्मा अणु आत्मा की। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है, व्हाट डिसाइड्स अवर नेक्स्ट बॉडी, अगला शरीर जो मिलता है वो क्या बेसिस पे मिलता है, कौन डिसाइड करता है, क्या एग्जैक्टली होता है कि अगला शरीर हमारे को एक तरीके का मिलता है, एक हो क्या रहा है बैकग्राउंड में जो ये डिसाइड किया जाता है कि अच्छा मुझे इंडिया में सच एंड सच स्टेट में जाके इस परिवार में लड़का या लड़की का शरीर मिलेगा, क्या फैक्टर्स हैं जो इसको डिसाइड करते हैं? परमात्मा अणु आत्माओं की इच्छाओं की पूर्ति उस तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में आत्मा तरफ तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है। शरीर में दो पक्षी हैं हमारे हृदय में, आत्मा और परमात्मा, जो इस वृक्ष पर बैठे हैं, शरीर रूपी वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा, एक पक्षी क्या है, सोल है, जो फल खा रहा है, जो एक्टिविटीज कर रहा है कॉन्स्टेंटली। हाँ, अपने कर्मों का फल खा रहा है, अपने कर्म कर रहा है उसका फल खा रहा है, कर्म कर रहा है उसका फल खा रहा है। और दूसरा पक्षी जो कृष्ण स्वयं भगवान है परमात्मा रूप में, अपने मित्र को केवल देख रहे हैं विटनेस की तरह, उपदृष्टा अनुमंतश्च भर्ता भोक्ता महेश्वर, भगवान एक विटनेस की तरह देखते हैं किसे, हमें। यदि भी दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों को मोहित से मोहित है किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है, दोनों पक्षी की क्वालिटी सेम है बट जो हम पक्षी हैं, हमारा जो हम है वो इस जगत के
फलों को खाने में इंटरेस्टेड है, और जो भगवान है वो हमारे को विटनेस कर रहे हैं कि कृष्ण साक्षी पक्षी है, विटनेस बर्ड है, और अर्जुन फल भोगता पक्षी है। अर्जुन मतलब हम रिजल्ट वाले पक्षी हैं, फल खा रहे हैं। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणुआत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। इसको प्लीज बोल्ड कर लो। अणुआत्मा द्वारा इस संबंध क्या कारण बनता है हमारा अलग से अलग शरीर में ट्रांसफर होने का? क्या कारण बनता है हमारा अलग अलग मटेरियल बॉडीज को अटेन करने का? क्योंकि हम अपना जो रिलेशनशिप है उस परमात्मा से उसको भूल चुके हैं, उसकी विस्मृति है। स्मृति मीन्स रिमेम्बरेंस, विस्मृति मीन्स नो रिमेम्बरेंस, कोई रिमेम्बरेंस नहीं है उसकी। जीव आत्मा प्राकृतिक प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाते हैं, त्यों ही परंतर पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्ति हो जाती है। हम स्ट्रगल कर रहे हैं इस पेड़ रूपी शरीर में और इस जगत में, जैसे ही हम परमात्मा के परमात्मा की तरफ अपना मुख मोड़ते हैं, उसी समय से हमारी स्ट्रगल कम होनी शुरू हो जाती है। मुंडक उपनिषद तथा श्वेतासूत्र उपनिषद ने समान रूप से इसकी पुष्टि की है। प्रभुपाद रेफरेंस दे रहे हैं, ऐसे वो बैठे हुए नहीं बोल रहे चलो एक कविता मन में आई, हम दो पक्षी हैं शरीर में, वो रेफरेंस दे रहे हैं। हाँ, कहाँ पे ये लिखा है कि हम दो पक्षी हैं? कैसे? सामान्य विकसित पुरुषो निमग्नो निश्चय सोचति मोह्यमान जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानम इति वीत शोका। यदि भी दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में मग्न है। हमारी बात करी जा रही है, हम जो फल खाने वाले पक्षी हैं, हम किसमें मग्न है? एंग्जाइटी में, चिंता में और विषाद में, मोरोस हैं, दुखी हैं, हम उसी में बिजी हैं इन फ्रूट्स को खाते खाते। यदि किस तरह हम अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख हो जाएं, किसी तरह उनकी तरफ मुंह मोड़ लें, तो उनकी महिमा को और उनकी महिमा को जान लेते हैं, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी हम कष्ट भोगने वाले पक्षी तुरंत सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। वेरी क्लियर गाइड रेफरेंस शास्त्र में। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शास्त्र मित्र की ओर फेरा फेरा है और उन्हें उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार में कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझने का समझ कर शोक से मुक्त हो जाता है। नीचे हाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के से ध्यानांतरण पर शोक प्रकट ना करे। अब इस श्लोक से भगवान क्या बता रहे हैं? तुम्हारे जो गुरुजन पिता सब मरेंगे, उनके शरीर के खत्म होने पे शोक मत करो, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए। अभी भगवान आर्गुमेंट दे रहे हैं कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए उनका शरीर खत्म करने में। क्यों? क्योंकि जिस तरह एक पुराना कपड़ा छोड़ के वो नया कपड़ा पहनेंगे, उसी तरह ये बूढ़ा बूढ़ा शरीर छोड़ के वो नया शरीर धारण करेंगे। प्रॉब्लम क्या? इससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएंगे। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोकों को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन को शोक करने का युक्त संगत नहीं है, युक्ति संगत नहीं है। अब जो भी एक धर्म युद्ध में अपना जो जो भी योद्धा जो भी क्षत्रिय एक धर्म युद्ध में मरता है, दोनों साइड में कहीं से भी हो सकता है, उसको हेवेंस की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए जो क्षत्रिय थे वो बड़े एक्साइटेड रहते थे मरने के लिए, युद्ध में जाने के लिए, मरने के लिए नहीं, युद्ध में जाने के लिए, क्योंकि उनको था जीते तो राज्य एंजॉय करेंगे, मरे तो हायर डेस्टिनेशन मिलेगी। अगला श्लोक, अब अगला जो श्लोक है ये बॉलीवुड में बहुत बड़ी कोट हुआ,
बड़ी सारी मूवीज में इसको यूज किया है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः नचयनं क्लेदयन्त्यपो नाशोषति मारुतः। ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा को वापस से आत्मा की फर्दर क्वालिटीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये आत्मा ऐसी है कि इसको ना काट सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना गीला कर सकते हैं, ना सुखा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, हाँ, जो आत्मा को काट नहीं सकते, जैसे श्लोक में भी बताया है। तो इसमें प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिस तरह ये जो न्यूक्लियर वेपन है, हाँ, जो न्यूक्लियर वेपन है, ये न्यूक्लियर वेपन का अभी कोई तोड़ नहीं है, हाँ? अभी न्यूक्लियर वेपन को लेके बहुत डर है सोसाइटी में, क्योंकि 4-5 हजार न्यूक्लियर वेपन्स ऑलरेडी टोटल इस प्लैनेट पे हो गया है, और कुछ ही न्यूक्लियर वेपन चाहिए पूरे के पूरे अर्थ को खत्म करने के लिए। तो इतना ज्यादा ओवर पावर्ड है अर्थ, इतना ज्यादा बर्डन है न्यूक्लियर वेपन से, बट उसका कोई काट नहीं है। जबकि पुराने समय में ये न्यूक्लियर वेपन्स थे ब्रह्मास्त्र और अलग अलग शस्त्रों के नाम पे, जो इतने ही पावरफुल थे, इससे ज्यादा पावरफुल थे, बट क्योंकि उसमें शास्त्रों में जो विधि थी उन शस्त्र उन इन वेपन्स को यूज करने की मंत्रों के द्वारा, उसी शास्त्र में इन वेपन्स को के काटने का भी मंत्र था। जैसे जो जो अग्नि द्वारा यूज करे वेपन्स थे उनको पानी के द्वारा काउंटरैक्ट किया जा सकता था, बट अभी मॉडर्न साइंटिस्ट को इसकी कोई भी दूर दूर तक नॉलेज नहीं है, हा? उनको किसी किसी भी प्रकार की दूर दूर तक नॉलेज नहीं है। दूसरे इसका दूसरा पैराग्राफ खोलो, इसमें प्रभुपाद एक सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। अब मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ। अब जो मायावादी है, मायावादी कौन है? मायावादी वो लोग हैं जो जो खुद को स्पिरिचुअलिस्ट तो क्लेम करते हैं, खुद को अध्यात्मवादी तो क्लेम करते हैं, बट वो क्या बोलते हैं कि जो जीव है एक्चुअली में वो भगवान ही है, बट वो जैसे ही अपने को रियलाइज कर लेगा वो भगवान बन जाएगा। हाँ, तो वो इनके उस वो जीव किस प्रकार इस अज्ञान में आया, हाँ, वो उनको पता नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था, प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। अभी हम जो एक फ्रैगमेंटल पार्ट है भगवान के अंश हैं, अब वो हम भगवान से कट के कब अलग हुए, और वापस से हम जाके उसी भगवान में मिल जाएंगे मायावादी के फिलोसोफर्स के हिसाब से? तो ब्रह्म जो हम ज्योति है, जो प्रकाश है, वो वापस से प्रकाश में मिल जाएगा, और उनके हिसाब से एक ऐसा समय था जब ये प्रकाश कट के अलग होके इस धरती पे आया था, बट इस श्लोक में तो बोला कि नयनम छिंदन्ति, किसी भी प्रकार से इस आत्मा को काटा या तोड़ा नहीं जा सकता। तो इसीलिए शास्त्र बड़ा क्लियर शब्दों में इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स को कि जो आत्मा है वो नित्य है, शाश्वत है, वो कभी अपी ऐसा नहीं होता कि कोई समय ऐसा था कि आत्मा का बर्थडे हुआ, हाँ, आत्मा का प्रकटित दिन हुआ कि इस दिन आत्मा अलग हुई है भगवान से। क्यों? क्योंकि कभी अलग होती नहीं है, वो इटर्नली हमेशा से भगवान का सेपरेटेड अंश है, भगवान का विभिन्न अंश है, भगवान का अंश है बट हमेशा सेपरेट इंडिविजुअल हैं हम भगवान से। हम भगवान कभी नहीं थे, जो कुछ स्पिरिचुअलिस्ट बोलते हैं कि हम जब साक्षात्कार कर लेंगे, अध्यात्म में उन्नति कर लेंगे, तो
तो हम भगवान बन जाएंगे पुनः पहले जैसे, हम कभी थे ही नहीं और हम हमेशा से अलग थे। इसलिए हमारा भगवान का रिश्ता मालिक और नौकर का, प्रभु और दास का रिश्ता है जो हमेशा अलग रहता है। अगला श्लोक, अछेद्योऽयमदायोऽयम् अक्लेद्योऽशोष्य एव च नित्यसर्वगतास्थानुम् अचलोऽयं सनातनः। इन तात्पर्य में आप देखना बड़े इंपॉर्टेंट सिद्धांत प्रभुपाद डाल रहे हैं, इसलिए इसको स्किप मत करना, मिस नहीं करना, मैं इसलिए कवर कर रहा हूं। यह आत्मा अखंडित तथा अघुनशील है, इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। पिछले श्लोक में आ गया था, यह शाश्वत है, वापिस से आया, सर्वव्यापी है, हर जगह है, अविकारी है, स्थिर है तथा सदैव एक सा रहने वाला है। वापिस से कई क्वालिटीज को रिपीट किया जा रहा है, वो इतनी वैल्यूएबल है क्वालिटीज, उसको रिपीट किया जा रहा है। अब ये जो आत्मा है ये अखंडित है, इसको ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, हाँ इसको तोड़ा नहीं जा सकता। अधाया, इसको जला के या मिला नहीं सकते, इसको इसको अधाया तो होता है जलाना। अक्लेद्य मतलब इसको ऐसा नहीं है कि डिस्प्रिन की तरह पानी में मिला दिया तो खत्म हो गया, हाँ गायब हो गया आपने, नहीं वो भी नहीं चलेगा इसका, इसको ड्रायर भी नहीं कर सकते। ये एवरलास्टिंग है, सर्वगता, हर जगह है आत्मा, हाँ चेंज भी नहीं कर सकते इसको, और इसको मूव भी नहीं कर सकते। क्या समझ, क्या रखा है इसमें आखिर लाइन, ये सदैव एक सा रहता है, आत्मा एक सी रहती है सदैव। अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अंश, अणु अंश है, और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। हम भगवान के छोटे से अंश हैं और वैसे ही हमारी आइडेंटिटी हमेशा रहती है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को विहित करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकती। भौतिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम और भगवान हमेशा अलग रहेंगे। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव जो तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। अभी हमारा डिजायर क्या है, हम भगवान के साथ जाके भगवान से एसोसिएट करें। हमारा इंटरेस्ट ये नहीं है कि हम खुद भगवान बन जाए, क्योंकि वो हो नहीं सकता। तो अपना जीवन, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वेस्ट ही क्यों करें, पूरा जीवन बिता के भगवान बनने में, जो होने ही नहीं वाला। इसलिए उतना ही समय में अगर लगा दूं कि मैं भगवान के साथ पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप कर सकूं, उनका सेवा करने का रिलेशनशिप डेवलप कर सकूं, तो मैं कुछ सब्सटेंशियल रिजल्ट तो पाऊंगा कम से कम। अभी श्लोक में एक वर्ड यूज किया, सर्वगता, ऑल परवर्डिंग, हाँ अब ये थोड़ा सा साइंस के बिलीव को काटता है। सर्वगता का क्या मतलब है, जो हर जगह भगवान के क्रिएशन में स्थापित है, हर जगह। अब हम पानी में नहीं रह सकते, क्योंकि ये शरीर पानी में रहने के लिए नहीं बना। हम पानी में जाके बाहर आ सकते हैं, बट पानी में रह नहीं सकते, बट मछली रहती है। हाँ अब कई ऐसे लिविंग एंटिटीज हैं जो आग में भी रहते हैं, अब भोले कैसे रह सकते हैं। जब मनुष्य ऐसे सूट बना सकता है कि वो आग में एंटर करके आग में रह सकता है और उसको कुछ नहीं होगा, तो भगवान क्यों ऐसे शरीर क्रिएट नहीं कर सकते जो पानी में या आग में रह सकते हैं। पानी में तो हम देखते ही हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये अग्नि में रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम नहीं कर सकते। उसी तरह वो बोलते हैं कि सन प्लैनेट पे कोई नहीं जीव रहता, जबकि भगवान की पूरी क्रिएशन में सर्वगता, लिविंग एंटिटीज हर जगह है।
अगर जो आखिरी लाइन इस तात्पर्य की आप देखो तो, यदि सूर्य लोक निर्जन है, यदि सूर्य लोक में कोई नहीं रहता, तो ये शब्द जो है सर्वगता कि जीव लिविंग एंटिटीज आत्मा हर जगह स्थापित हर जगह पे है, ये शब्द निरर्थक हो जाता है, इस शब्द की वैल्यू नहीं रहती। तो भगवान सर्वगता का इस तो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि आत्मा हर जगह है, हर जगह पे आत्मा स्थित है। आखिरी श्लोक आज का अगला, अव्यक्तोयम् अचिन्त्योयम् अविकार्योयम् उच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनं नानुशोचितम् अर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त है, हाँ? ये आत्मा अव्यक्त है, इनविजिबल, दिखती नहीं है, अकल्पनीय है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, अपरिवर्तनीय है, नो वन कैन चेंज इट। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। मैं चेंज नहीं हो सकता, मेरे को समझा नहीं जा सकता, मैं इनविजिबल हूं, बट मेरा शरीर ऐसा नहीं है, मेरा शरीर कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, दिखता भी है, और ऐसा नहीं कि बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं आत्मा के स्तर पर सोचो अर्जुन, इसलिए शरीर के लिए शोक मत कर इस समय पे। तात्पर्य जैसा पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जिससे आत्मा को देखा जाए। हाँ नहीं, हम यूज करेंगे, हम हाईटेक यू, कौन सा होता है, दिमाग से वर्ड उड़ गया, एक तो है फार डिस्टेंस देखने का, जो हम सेल्स वगैरह को देखते हैं, वो वर्ड ही नहीं मेरे दिमाग में आ रहा। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, हाँ कौन सा स्कोप, माइक्रोस्कोप प्रभु। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप यार। सो अभी इवन इफ अभी तो माइक्रोस्कोप जो हमने स्कूल में देखा था उससे भी बहुत ज्यादा एडवांस्ड माइक्रोस्कोप सर अवेलेबल, जो और डिटेल में इवन एटॉमिक लेवल पे भी उससे भी नीचे जाकर देख सकते हैं, बट स्टिल आत्मा को नहीं देखा जा सकता। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति में, श्रुति शास्त्रों में, वेदों में प्रमाण है कि अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हाँ हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है, क्योंकि ये एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, सोल का जो नॉलेज है, सोल का जो नॉलेज है उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, बट उसको अपनी इन आंखों से कैसे देखें, देख ही नहीं सकते। बट हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, नॉलेज यूज करते हैं, हम देखते हैं अच्छा पिछला जन्म किसी का था, वो याद है उसको, तो मतलब शरीर तो चेंज हो गया, तो कुछ तो मूव ऑन किया, तो हम रेफरेंस ले सकते हैं बट एग्जैक्टली नहीं देख सकते। मेरा हाथ दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, आत्मा दिख रही है, नहीं दिख रही। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपने माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन एकमात्र प्रमाण माता है। अभी कोई बच्चा होता है पैदा और वो पूछता है माता से, मेरे पिता कौन है, माता बोलती है ये तुम्हारे पिता है, तो बच्चे के लिए अथॉरिटी ने बताया कि ये तुम्हारे पिता है। अब जो गुरु, जो शास्त्र है, वो जो वेद है, वो माता की तरह है, और शास्त्र हमें बताते हैं कि भगवान हमारे पिता है, वो हमारी अथॉरिटी है। अब कोई व्यक्ति बोले नहीं मैं साइंटिफिक रिसर्च करूंगा ये जानने के लिए कि मेरा पिता एक्चुअली में है कौन, तो उसको क्या करना पड़ेगा। सो वो 7 बिलियन लोग हैं इस धरती पे, जिसमें से हाफ हाफ भी लगाए तो 3.5 बिलियन पुरुष हैं। 3.5 बिलियन पुरुषों का पहले डीएनए टेस्ट करेगा, उसके रिजल्ट की वेट करेगा, फिर आइडेंटिफाई करेगा कि मेरे पिता ये हैं। तो अगर तो अकलमंद है
तो अथॉरिटी से जाके पूछेगा कि मेरा पिता कौन है। अथॉरिटी कौन है? माँ से बड़ी अथॉरिटी हो ही नहीं सकती बताने के लिए कि तुम्हारा पिता कौन है। माँ बोलती है ये तुम्हारा पिता है, चैप्टर क्लोज। इसी प्रकार जो वेद हैं, जो शास्त्र हैं, भगवद गीता है, वो हमारी माता की तरह है, जो ये बताते हैं हमारे पिता भगवान है कौन। इसी प्रकार वेद अध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यावहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। क्यों आत्मा अकल्पनीय वर्ड यूज किया है? क्योंकि उसको हम मटीरियल प्लेटफॉर्म पे, अपने कॉमन सेंस प्लेटफॉर्म पे नहीं समझ पाते बहुत बारी। आत्मा चेतना है और चेतना और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते, मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना के में अनुरूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। हम बहुत छोटे हैं और हमें हम बहुत ही छोटे हैं, भगवान बहुत बड़े हैं, तो हमारा कंपैरिजन नहीं है। यदि भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से, यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना, क्योंकि हम बहुत सारे वर्ड्स को देख रहे हैं रिपीट हो रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं? किसी बात का दोहराना उसी तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए सेम पॉइंट को हिट किया जा रहा है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे सोल के, अब वो खत्म हो गए। हाँ, अब हम नेक्स्ट वर्स से आगे के आत्मा तत्व का कुछ और श्लोक हैं जो हम देखेंगे अगले वीक से, 26 नंबर से। किसी का कोई क्वेश्चन है? हरी बोल प्रभु। प्रभु आत्मा के साथ जैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में मन बुद्धि अहंकार वो कैसे ट्रेवल करते हैं, और फिर अगर गुड क्वेश्चन। जैसे इस जन्म में जैसे मानो मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किया कुछ और, तो वो इंटेलिजेंस अगर ट्रेवल करती है तो फिर वो लूज कैसे हो जाती है? गुड क्वेश्चन। दो क्वेश्चन आपके अलग, पहले तो ट्रैवल करता कैसे है और दूसरा स्पिरिचुअल क्रेडिट्स मेंटेन कैसे रहते हैं। यस यस तो सर, जो आत्मा है उसके ऊपर आवरण है, प्लीज समझना। वो मैं बस कोई ड्राइंग नहीं, तो मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल। ये दिख रहा है, ये बीच में सोल है। सोल के ऊपर माइंड, इंटेलिजेंस और अहंकार का कवरिंग है। अहंकार मैंने लिखा नहीं है, जो सेकंड कवरिंग है। और फिर हमारे आत्मा के ऊपर तीसरा एक कवरिंग है शरीर का। तो आत्मा है, आत्मा के ऊपर मन, बुद्धि और अहंकार का कवरिंग है। और फिर उसके ऊपर जो मेन कवरिंग, जो जो सारी दुनिया को दिखता है, वो है शरीर का कवरिंग। अब जब ये शरीर जो है, इसको आपने जला दिया, ये शरीर को जला दिया, ये शरीर खत्म हो गया। हाँ, अभी ये जो शरीर है ये बचा नहीं, ये जल गया। ये खत्म हो गया, पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। अभी क्या बचा? आत्मा बची, और आत्मा के ऊपर मन, बुद्धि और अहंकार की कवरिंग बची। अब ये आत्मा जो कंप्लीटली स्पिरिचुअल है, जो सोल पूरी तरह से आध्यात्मिक है, अब ये शरीर जलने के बाद ये सोल को कैसे अगला शरीर मिलता है? क्योंकि मन, बुद्धि और अहंकार का कवरिंग उससे अलग नहीं होता, वो अगले अगले बॉडी में उसके साथ जाता है। सोल के साथ अगले बॉडी में मन, बुद्धि और अहंकार का जो कवरिंग है वो उसके साथ जाता है। इसलिए हम बहुत बारी देखते हैं कि कई बारी जो जो व्यक्ति को अपने पुराना जीवन याद रहता है, जो हमने पीछे एक वीडियो में देखी थी, कई बारी व्यक्ति को अपने पुराने स्किल्स भी याद रहते हैं। हाँ,
छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं 2-3 साल के हैं, वो म्यूजिक में इतने एक्सपर्ट होते हैं और माँ बाप को म्यूजिक का कुछ नहीं पता होता कई बार। हाँ, कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप एक पर्टिकुलर स्किल में जीरो होते हैं, तो उन्होंने बच्चे को कभी सिखाया नहीं, बट वो बच्चा बहुत छोटी एज से उसमें एक्सपर्टीज दिखाने लगता है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है जिसको वो माँ बाप के घर में जो आया है, वो अपने पिछले संस्कार जो इस मन बुद्धि पे ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड है उनको लेके आया है। और फिर इस परिवार में आने के बाद, जिस परिवार में उसने जन्म लिया, इस मन और बुद्धि पे उस परिवार के संस्कार भी पड़ने शुरू हो जाते हैं वो छोटी उम्र से। हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। और इसलिए हम देखते हैं, अगर सपोज माता पिता के संस्कार ही सिर्फ सब कुछ बच्चे के लिए होते हैं, तो जो बच्चे ने माता पिता से सीखा है वही करता सिर्फ, बट बच्चा अपने पर्सनल ट्रेट्स भी लेके आता है। तो ये कंटिन्यूएशन रहती है। और मुक्ति का मतलब क्या है? ये शरीर खत्म होता है और ये जो सटल बॉडी है, इसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, मन बुद्धि अहंकार को, इससे भी रिलीज हो जाती है जो आत्मा, तो उसको एग्जिट मिलती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने की, अदरवाइज चांस नहीं है। ये आपका पहला पार्ट था कि मन याद कैसे रहता है आत्मा को, क्योंकि माइंड और इंटेलिजेंस और आइडेंटिटी ईगो वो उससे सेपरेट नहीं होती जब तक वो इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसा है। अभी उसके जो स्पिरिचुअल क्रेडिट हैं, या स्पिरिचुअल क्रेडिट क्यों, उसके कर्मों का भी क्रेडिट जितना भी है, सुख दुख जो भी है, वो सब इस सूक्ष्म शरीर में उसके साथ जाता है। अब स्पिरिचुअल क्रेडिट सूक्ष्म शरीर को नहीं मिलता, वो मिलता है आत्मा को। हाँ, तो वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी से तीसरी बॉडी में ट्रेवल करता है, तो उसके साथ जाता है। अब डिफरेंस क्या है मेटीरियल क्रेडिट में और स्पिरिचुअल क्रेडिट्स में, कि मेटीरियल नॉलेज आपने गेन करी, सपोज अभी आप आईटी एक्सपर्ट हो, आप बिजनेस एनालिस्ट हो, और आप बहुत ग्रो कर जाते हो अपने करियर में और आप टॉप बिजनेस एनालिस्ट आ जाते हैं मेलबर्न के टॉप 10 में, फॉर एग्जाम्पल। तो आप जब ये कोई भी व्यक्ति ये जो शरीर छोड़ के अगले शरीर में जाएगा, तो जितनी उसने नॉलेज गेन करी है बिजनेस एनालिस्ट की, सब कैंसिल हो जाएगी। हाँ, कुछ इंप्रेशन सिर्फ मन और बुद्धि पे रह जाएंगे, बाकी सब शरीर के साथ खत्म हो जाएंगे, और उसको वापस से ABCD सब याद करना पड़ेगा। जबकि स्पिरिचुअल क्रेडिट्स के साथ ये रूल लागू नहीं होता। नेहा विक्रमा नाशोस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पमपि सिद्धर्मस्य त्रायतो महतो भयः। थोड़ा सा भी, अभी 15 श्लोक में ये श्लोक आने वाला है इसी चैप्टर में, थोड़ा सा भी अगर स्पिरिचुअली किसी ने क्रेडिट्स गेन कर लिए, सपोज किसी ने 8% स्पिरिचुअल क्रेडिट गेन कर लिए, तो अगले जीवन में उसका 90% से शुरू होगा। बट अगर किसी ने PhD कर ली 4 बारी भी, डिफरेंट डिफरेंट PhD कर ली फॉर एग्जाम्पल, जो अपने आप में बहुत कठिन है, तो भी अगले जीवन में उसको PhD का कोई लाभ नहीं मिलेगा। किसी ने सपोज 500 करोड़ अपने अकाउंट में छोड़ के गया है, अगले जीवन में उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा, वापस से उसको फिर से ABCD सीखना होगा, फिर लाते खा खा के धक्के खा के जॉब करना होगा, बिजनेस करना होगा, पैसे कमाएगा। अब वो इंप्रेशन जो होंगे उसके स्किल के, वो हो सकता है उसके मन बुद्धि पे उसको हेल्प सपोर्ट करें थोड़ा बहुत, बट जो एक्यूमुलेट किया है मटेरियली वो सब चला जाएगा। बट स्पिरिचुअली जो भी हमने एक्यूमुलेट किया है, जितना भी हमने कोटा कमाया है, जितना भी हमारे बैंक बैलेंस में, आध्यात्मिक बैंक बैलेंस में जितना भी हमारा बैलेंस बढ़ा है, वो एज इट इज रहेगा और अगले जीवन में वहीं से शुरुआत होगी। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, थैंक यू प्रभु। तो प्रभु एक क्वेश्चन इस पे हो रहा है कि स्पिरिचुअल क्रेडिट जैसे जो आया उसके बाद बंदे ने फिर पाप कर्म किए, तो वो स्पिरिचुअल क्रेडिट तब भी कम नहीं होता? क्या क्या दोबारा पूछो क्वेश्चन। हाँ, दोबारा क्वेश्चन मतलब पूछो। स्पिरिचुअल क्रेडिट जैसे एक्यूमुलेट हो गया जितना, मान लो तो जैसे कुछ नंबर दे रहे 50, तो मतलब जैसे कुछ पाप कर्म किए तो उससे भी वो कम नहीं होता क्या? फिर स्पिरिचुअल क्रेडिट वो उतना ही रहता है? ना, पाप का स्पिरिचुअल क्रेडिट से कुछ लेना देना नहीं है। पाप स्पिरिचुअल क्रेडिट्स को कम नहीं करता, पाप आगे के स्पिरिचुअल क्रेडिट्स को लेने में थोड़ा सा बाधा डाल सकता है बस। पाप और पुण्य
अलग कैटेगरी है और आध्यात्मिक प्रगति अलग कैटेगरी है। पाप और पुण्य शरीर और मन को सुख और दुख देता है, स्पिरिचुअल जो क्रेडिट है वो आत्मा की प्रगति के लिए है, समझ रहे हो। इसीलिए कोई व्यक्ति अमीर बनता है अपने पुण्य के कारण, कोई व्यक्ति कम अमीर है उसने कम पुण्य किए थे, कोई गरीब है बड़ा दुख भोग रहा है उसने पाप किए थे, बट तीनों कैटेगरी में वो भक्ति कर सकता है, तीनों कैटेगरी में वो आत्मा के स्तर पे काम कर सकता है, अपना भगवान से रिश्ता स्थापित कर सकता है। और हम देखते हैं मिलेनियर भी मंदिर आता है, मिडिल क्लास भी आता है, और एक गरीब व्यक्ति भी आ सकता है मंदिर भक्ति करने। उसका उसका आध्यात्मिक प्रगति से कोई लेना देना नहीं है। हाँ ये होता है कि किसी के पास अगर इनफ फैसिलिटी है मटेरियली तो उसको आध्यात्मिक प्रगति में सपोर्ट मिल जाता है क्योंकि वो पीसफुल रहता है। बट हम देखते हैं कि कोई मिलियनेयर भी होता है वो भी बड़े डिस्टर्ब रहते हैं क्योंकि वो पीसफुल नहीं है, उसके पैसे की होड़ खत्म नहीं हो रही, पागलों जैसे भाग रहा है पैसे के पीछे अभी भी। तो अध्यात्म का और कर्मों का बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इफेक्ट आता है उसका। तो अगर कोई इतना रियलाइज कर लेता है कि मैं ये शरीर और मन नहीं हूं, थ्योरेटिकली भी सिर्फ समझ जाता है, तो वो अपने कर्मों के प्रभाव को साइड कर देता है अपनी आध्यात्मिक प्रगति के सामने, वो अपने कर्मों के प्रभाव को डिस्टरबेंस नहीं बनने देता। और जो ये बात नहीं समझता कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, वो क्या करता है, वो पहले क्या सोचता है, पहले मैं सेटल हो जाऊं फिर भगवद्गीता खोल के समझूंगा, माला करूंगा, भगवान का नाम लूंगा, भक्ति करूंगा, पहले मैं शादी वादी कर लूं फिर मैं भक्ति करूंगा, पहले मैं बच्चे पैदा कर लूं फिर मैं भक्ति करूंगा, फिर मैं बच्चों को सेटल कर लूं फिर मैं भक्ति करूंगा, फिर मैं बच्चों को शादी वादी करा दूं फिर मैं भक्ति करूंगा, फिर मैं बच्चों के बच्चों को संभाल लूं फिर मैं भक्ति करूंगा। और वो अपॉर्चुनिटी को खो देता है और अगले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वापिस से जन्म लेता है, वापिस से माँ के गर्भ में आता है और वापिस से साइकिल चलते जाते चलते जाते। ठीक है, थैंक यू प्रभु। और कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू फॉर योर नाइस क्लास। प्रभु आपने मेंशन किया कि जो आत्मा होती है तो ना तो पास्ट आवाज होता बहुत है। कम आ रही है आपकी। हाँ प्रभु, अब आ रही है आवाज मेरी? प्रभु हाँ जी, अभी ठीक है। जो आपने मेंशन किया कि आत्मा का ना कोई पास्ट होता है, ना प्रेजेंट होता है, ना फ्यूचर होता है, प्रभु ये पॉइंट के समझ नहीं आया हाँ, मुझे, मैंने क्या बोला बोल था, मैं सकते बताऊंगा आपको एग्जैक्टली। तो आत्मा ना प्रेजेंट है, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर इस भौतिक जगत में लागू होता है। क्यों? क्योंकि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का प्रभाव किसके कारण है? टाइम के कारण है, समय के कारण है। जो टाइम है वो इफेक्ट करता है भौतिक वस्तुओं को। आप एक कुर्सी लेके आते हो नई और आप उसको रख दो, सिर्फ यूज करेंगे तो टूट फूट होती है, बट आप यूज मत करो, सिर्फ रख दो, तो समय अपने प्रभाव से उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। उसी तरह ये शरीर समय के प्रभाव से डिस्ट्रॉय होता है, समय अपने प्रभाव से हर चीज का नाश करता है। बट आत्मा क्योंकि वो स्पिरिचुअल है, वो आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक जगत से बिलोंग करती है, वहां पे समय का कोई प्रभाव नहीं होता। तो जहां समय ही नहीं है, जहां पे टाइम नहीं है, तो वहां पे पास्ट क्या, प्रेजेंट क्या और फ्यूचर क्या। तो उस बेसिस पे बोला गया कि आत्मा पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लागू नहीं होता इस तरीके से। पर आत्मा क्योंकि अपने को शरीर मानती है, तो जैसे मैं पिछले पापा बता रहे हो, पिछले पिछले क्लास में थे जो मैं बोल रहा था कि मैं अगर अपने आप को ऑस्ट्रेलियन मानता हूं तो जब इंडिया मैच जीतेगी तो मैं दुखी होऊंगा, और मैं आपको अपने आप को इंडियन मानता हूं तो इंडिया जब मैच हारेगी तो मैं दुखी होऊंगा। हाँ, तो मैं क्या मान रहा हूं खुद को, वो मानना मेरा प्रभाव डालेगा मुझ पे, एक्सटर्नल प्रभाव डालेगा। बट मैं अगर अपने आप को इंडियन और ऑस्ट्रेलियन नहीं मानता फॉर एग्जांपल, तो अब क्रिकेट में कौन जीता कौन हारा फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो ना सुख होगा ना दुख होगा।
हाँ अभी आईपीएल में मुंबई इंडियन आई या चेन्नई आई या कौन आया, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये तो मैं अपने आप को क्या मानता हूँ, ये तो आत्मा जब खुद को शरीर मानती है तो शरीर पे होने वाले जितने भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के ढंडे पड़ने हैं वो ऐसा लगता है कि आत्मा को पढ़ रहे हैं, बट आत्मा पे एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा, ये तो आत्मा के मानने के कारण हो रहा है सिर्फ। यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? जो मेजर प्रॉब्लम है वो हमारा गलत धारणाओं के कारण है, हमारा गलत मानने के कारण है। आप अभी से अभी से अभी के अभी इसी क्षण से खुद को भगवान का दास, स्पिरिचुअल एंटिटी, हाँ, घोषित कर दो और उसके हिसाब से अपने आप को मानने लगो। आपको अभी से जितने दुख कष्ट के अंदर फंसे हुए थे खत्म हो जाएंगे, अफेक्ट नहीं करेंगे। बोलना आसान है वो कि अभी से मान लो, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर कोई अपने को एस्टैब्लिश कर देता है स्पिरिचुअली राइट नाउ, अभी के अभी खुद को पूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्तर पे एस्टैब्लिश कर देता है, दुख खत्म। मैं इस परिवार में जन्म लिया हूं तो जो जो मेरे जाति को गाली देगा मुझे दुख देगा, क्यों? क्योंकि मैं इस जाति में जन्म लिया हूं। अरे सिर्फ 25 साल पहले तुम किसी और जाति में थे और इसी जाति को गाली दे रहे थे, हाँ, बट अभी क्योंकि मैंने इस जाति में जन्म लिया तो इससे जुड़े जितने भी सुख और दुख हैं वो मेरे सुख और दुख हैं, बट वो मेरे नहीं हैं, वो मेरे शरीर के हैं। तो ये बड़ा सुपीरियर फिलोसफी है एक्चुअली में, हाँ, ये आम व्यक्ति इसको समझ नहीं पाता आसानी से। इसमें इसके लिए भगवान की बड़ी कृपा चाहिए, इसके लिए खुद को प्यूरिफाई करना होता है। एक बात मुझे बहुत साल पहले बात बोले थे, 14-15 साल पहले, मैं आपसे शेयर करता हूँ, बड़ी हेल्पफुल है। हम भगवत गीता सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं, हमें भगवत गीता सुनने पढ़ने में एक लेवल पे समझ आती है, बट अगर हम इस नॉलेज को प्रैक्टिस करके अपने लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं, एवरी डे हम भगवान का नाम जप करते हैं, हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और रेगुलरली स्पिरिचुअल टॉपिक्स को सुनते हैं और फिर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो सेम श्लोक हमारे को डिफरेंट रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि अब मैं प्यूरिफाई हो गया हूँ और यही सेम नॉलेज मुझे प्रॉपर तरीके से समझ आएगी प्योरिफिकेशन के बाद। ये इफेक्ट है स्पिरिचुअल नॉलेज का, ये इफेक्ट है स्पिरिचुअल प्रोसेस का। ठीक है, प्रभु, आपने कहा कि जब भगवान का हम दास बनते हैं तो दुख दर्द से मुक्ति मिलती है, और तो प्रभु भगवान का दास कैसे बनते हैं? लाइक कि लट से कि हमारी जॉब है, क्या हम स्टूडेंट भी हो सकते आपने हैं? कभी आपके घर में कभी, चलो मेलबर्न में तो मुश्किल है, आपके इंडिया में आपके घर में नौकर हैं थे क्या कभी? हाँ प्रभु थे। तो एक अच्छे नौकर की डेफिनेशन बताओ आप मुझे। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही, थोड़ा ऊंचा बोले तो, या फोन से मतलब पास में आके बोलो। हाँ, प्रभु तो अच्छे नौकर प्रभु वो है जो अपने मालिक की आज्ञा मानते हैं। वेरी सिंपल, एक अच्छे दास की परिभाषा क्या है? जो मालिक की आज्ञा मानता है। भगवान अपनी आज्ञा भगवत गीता में बहुत क्लियर शब्दों में दे रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवासी सत्यम दे प्रति जानी प्रियोसी में, हाँ, बिकम माई डिवोटी, मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो। और ये भगवान इसलिए नहीं बोल रहे कि उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ, मेरे नंबर बढ़ गए, मेरे को प्रणाम करो, नहीं, हम पे कृपा हेतु भगवान बोल रहे हैं मेरा नाम लो, मेरी भक्ति करो, माम एवासी युक्तम से प्रति जानी प्रियोसी में, यू विल बिकम वेरी डियर टू मी, तुम मेरे बहुत प्रिय बन जाओगे ये सब करने से। तो एक जो दास है, अभी हम जो हम मेटीरियल वर्ल्ड में हम जब दास की परिभाषा सुनते हैं तो हमारे को क्या दिखता है, एक आदमी जो मालिक है और एक आदमी जो नौकर है, जो मालिक है वो नौकर पे का शोषण करता है, नौकर को एक्सप्लॉयट करता है, उसको लाते मारता है, दुख देता है, सस्ते में या फ्री में काम कराता है। इसलिए हम जैसे ही सुनते हैं ना दास तो हमारे को सुन के ऐसा लगता है, अरे मुझे नौकर नहीं बनना किसी का, मेरे को कभी किसी के नीचे काम नहीं करना, क्योंकि हम भी यही मरकनते हैं, यही यही गलती करते हैं मालिक बन के, कि हम भी सामने वाले का शोषण करते हैं।
बट भगवान की जो दासता है वो तो सबसे हाईएस्ट पोजीशन है, जो हनुमान जी के पास है राम भगवान की दासता का, जो उद्धव के पास है कृष्ण की दासता का, अर्जुन के पास है भगवान का सखा बनने का, फ्रेंड बनने का, दास है भगवान का, वृंदावन के कितने वासी हैं दास हैं, लक्ष्मण 14 साल जब वो वन में भगवान राम भगवान और सीता माता जा रहे थे, तो लक्ष्मण 14 साल राम और सीता का दास बन के रहा था, एक भी दिन लक्ष्मण सोया नहीं 14 साल, एक भी दिन नहीं लक्ष्मण नहीं सोया जितने दिन वनवास में रहा वो। हाँ, और लक्ष्मण केवल और केवल खुद को राम का और सीता का दास मानता था, तो जब सीता माता का हरण हुआ तो किसी ने, राम भगवान ने किसी ने पूछा कि लक्ष्मण इनको बताओ सीता कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो लक्ष्मण ने बोला मुझे नहीं पता सीता को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। बोला तुमने नहीं पता 14 साल साथ रहे हो तुम, तुम्हें नहीं पता सीता को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बोला नहीं मैंने तो कभी सीता को पैर के ऊपर देखा ही नहीं है। हाँ, लक्ष्मण ऐसा दास था कि उन्होंने सीता को कभी फेस टू फेस भी नहीं देखा था। तो बोला हाँ पैर का, अगर उनका पांचेब उनका पैर का जो नुपु जो भी वो अंगूठी पहनती है पैर में वो अगर मैं देख लूं तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि सीता माता है, ऐसा दास लक्ष्मण बन के रहा था। तो ये तो बड़ी सुपीरियर पोजीशन है, ये एक शोषण करने वाले मालिक की पोजीशन नहीं है, भगवान की पोजीशन है, हमारी वो लात खाता हुआ नौकर की पोजीशन नहीं है, वो सुपीरियर पोजीशन है। ठीक है वो, प्रभु लास्ट आजकल नवरात्रि चल रही है प्रभु, हम नवरात्रि को प्रभु कृष्णा के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखें प्रभु? नवरात्र को कृष्ण के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखें? करेक्ट तो नवरात्र को कृष्ण के कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना है तो हम देख सकते हैं कि भगवान की एक सृष्टि है और उस सृष्टि में बहुत सारे भगवान के डिफरेंट डिफरेंट जो ड्यूटीज निभाने के लिए बहुत सारे भगवान के, जैसे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होता है तो एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, कोई फाइनेंस मिनिस्टर होता है, कोई यूनियन मिनिस्टर होता है, कोई हेल्थ मिनिस्टर है, कोई क्या है, कोई क्या है, हाँ, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, तो वो अपनी यूनियन को चलाने के लिए अलग अलग तरीके से इस देश को चलाने के लिए उन्होंने अलग अलग मिनिस्ट्री बनाई है। उसी तरह भगवान ने अपनी सृष्टि चलाने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री बनाई हुई है। तो अभी किसी व्यक्ति को सपोज मौका मिले, किसी आम व्यक्ति को मौका मिले कि वो किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर से दोस्ती कर सकता है तो वो बड़ा खुश हो जाएगा, वो कोशिश करेगा चीफ मिनिस्टर से दोस्ती करने का। हाँ, बट अगर किसी व्यक्ति को चांस मिले कि वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से दोस्ती कर सकता है, उससे अपना रिश्ता स्थापित कर सकता है, तो फिर वो क्या करेगा, उस पर फोकस करेगा। तो भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट से भगवान जिनकी सृष्टि है वो हमारे को क्या एनकरेज कर रहे हैं कि तुम प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट रिश्ता कैसे स्थापित करोगे। हाँ, तो अब जो नवरात्र हैं, जो माता रानी है, दुर्गा देवी हैं, या शिव जी हैं, या गणेश जी हैं, सूर्य है, चंद्र है, वरुण है, ये सबके अपने अपने सृष्टि में रोल हैं। कोई भी पर्सनैलिटी, भले माता रानी चाहे शिव जी हैं, कोई भी पर्सनैलिटी ने किसी शास्त्र में ये क्लेम नहीं किया कि सृष्टि के अधिपति, सृष्टि की रचना उन्होंने की है। केवल भगवत गीता ऐसा स्क्रिप्चर है जिसमें भगवान बोल रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बूढ़ा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य, मैं सभी का प्रभु हूँ, पूरी की पूरी सृष्टि भौतिक भी और आध्यात्मिक भी मुझसे उत्पन्न हुई है। तो जितने बाकी पर्सनालिटीज हैं, माता रानी है, दुर्गा देवी, जितने महान महान, जितने ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, इनका अपना अपना सृष्टि में एक पर्टिकुलर रोल है। तो अभी कोई व्यक्ति जिनको माता रानी से कुछ कृपा चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, तो वो उनसे ब्लेसिंग्स के लिए उनसे रिश्ता स्थापित करेगा, उनकी सेवा करेगा। भगवत गीता से हम ये समझते हैं कि हम डायरेक्टली जो सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के जो मेन कर्ता धर्ता हैं, उनसे कैसे पुनः रिश्ता स्थापित करें। तो इसलिए एक भक्त जो है वो भगवान से अपना रिश्ता स्थापित करने में ज्यादा एनर्जी डालता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो नवरात्रि अगर है तो
और वो शुरू से रखता आ रहा है तो उसको रिजेक्ट कर दे, इग्नोर कर दे या बोले वेस्ट है ना, वो पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि मेरे को भगवत गीता का मूल सिद्धांत कैसे लागू करना है। ठीक है, रियली वंडरफुल प्रभु, सो लुक फॉरवर्ड टू मोर प्रभु, प्रभु इसी एनी संदर्भ एपिसोड। में मैं एक ऐड करना चाहूंगा, दुर्गा माता। अभी मैं पढ़ रहा था तो दुर्गा माता जो है वो कृष्ण की एक टाइप से बहन है, राइट? तो और वो जेलर करेक्ट, है सुभद्रा यूनिवर्स की में, एक्सपेंशन है, योग माया। और उनका जो त्रिशूल है वो मोड ऑफ गुडनेस, जो सत्वगुण तमोगुण और जो तीन तीन जो उसमें त्रिशूल है उसमें सत्वगुण तमोगुण और रजोगुण को प्रकट करता है। और अगर हम उनको प्रे करेंगे तो वो दुर्गा माता हमसे हमें इन तीनों से बाहर निकलने में ऑब्वियसली हेल्प करेंगी। तो इस तो अगर हम उस चेतना से अगर उनको प्रे करें तो तो वृंदावन में गोपियों ने कात्यायनी का दुर्गा देवी का व्रत रखा था, राइट। पर डिफरेंस क्या है कि अगर हम भगवत गीता की नॉलेज रख के दुर्गा माता को अप्रोच करते हैं तो हम वृंदावन के जो वासी हैं उनकी तरह व्रत रखेंगे। अगर हम दुर्गा देवी को अप्रोच करते हैं एक मेटीरियलिस्ट की तरह, तो हम दुर्गा देवी को कैसे अप्रोच करेंगे पता है? माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, तुम मेरी मुरादे पूरी कर दो फिर मैं हलवा बांटूंगी। तो क्या हुआ, एक बिजनेस डील होगी। एक भक्त का स्वभाव क्या है, तुम मुरादे पूरी करो या ना करो मैं तो तुम्हारी सेवा करूंगा, हलवा बांटूंगा। बट क्योंकि हम दुर्गा देवी को मटेरियली अप्रोच कर रहे हैं, हम एक बिजनेस डील रखते हैं उनके सामने। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट, किसलिए किया जा रहा है? सुख संपत्ति घर आए और कष्ट मिट जाए, मां मुरादे पूरी कर दे फिर मैं तुम्हारी सेवा अच्छे से बढ़ चढ़ के करूंगा, हलवा बांटूंगी। बट अगर कोई भगवद गीता के हिसाब से करेगा तो वो वृंदावन की गोपीस की तरह कात्यायनी का व्रत रखेगा। क्या कात्यायनी का व्रत क्यों रखा उन्होंने? कात्यायनी माँ, ये तुम्हारा मैं 1 महीने का व्रत रखती हूँ, मुझे कृष्ण चाहिए। ये गोपीस का व्रत था, मुझे कृष्ण पति रूप में चाहिए। सिंपल, अगर भगवान हम मांगेंगे तो वो मटेरियल डील नहीं है। अगर हम धन पैसा सुख संपत्ति मांगेंगे तो वो मटेरियल डील है। तो हम अगर किसी देवी का, देवता का, किसी का वर्शिप कर भी रहे हैं बट हम मांग भगवान को रहे हैं उससे, तो वो एक्सेप्टेबल है। बट ये तभी समझ आएगा जब हम भगवद गीता के सिद्धांत को समझेंगे। ठीक है, फिनिश। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। यार हरे कृष्ण। एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी सी आर रिलेशनशिप विद लॉर्ड, हाउ कैन वी सी आर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड वेयर वी कैन एस्टैब्लिश मोर क्लोज कनेक्शन। हम अपना भगवान से रिलेशनशिप कैसे देखें? दीपक प्रो, कैन यू आस्क योर क्वेश्चन डायरेक्टली? समझ नहीं आ रहा क्या पूछने की कोशिश कर रहे हो। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी वही आपने अपना जो रिलेशन कृष्णा के साथ, उसको जैसे अभी आप बता रहे थे दास और जैसे उस संदर्भ में मैं पूछ रहा था। हाँ, तो हमारा भगवान से क्या रिश्ता है, उसको कैसे देखें? हाँ जी, ताकि एट दिस स्टेज हम भगवान के दास हैं। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। जीव का स्वरूप क्या है कि वो भगवान का इटर्नल सर्वेंट है। हाँ, तो अभी हम उसी रूप में देखेंगे, जब हम स्पिरिचुअली बहुत एडवांस कर जाएंगे तो भगवान हमारे को ऑटोमेटिकली रिवील करेंगे कि किस प्रकार के दास हैं हम भगवान के। तो उसकी चिंता अभी मत करें। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो उस टाइम गोपियां जो थी उनको पता था कृष्ण कौन है? नहीं, गोपी को इंटरेस्ट ही नहीं था जानने में कि कृष्ण भगवान है। गोपी को तो इंटरेस्ट कृष्ण में था। वो इतनी एडवांस थी स्पिरिचुअली कि उनको ये इंटरेस्ट ही नहीं था जानने का कि कृष्ण कौन है। उनकी नेचुरली इतनी अट्रैक्शन थी, इतनी अटैचमेंट थी कृष्ण से। एक बार जब कृष्ण के साथ वो फॉरेस्ट में थी रात में,
तो कृष्ण ने उनको जब अपनी फ्लूट बजाई और सारी गोपी भगवान के पास आई, तो भगवान ने गोपी को बोला तुम वापस चले जाओ। गोपी ने बोला ऐसे कैसे वापस चले जाए, हम सब घर छोड़ के, अपने पति को छोड़ के, कहीं गोपी अपने बच्चों को छोड़ के डेड ऑफ द नाइट हाँ भगवान से मिलने आई इस फॉरेस्ट में। कृष्ण बोले चले जाओ, ऐसे अच्छा नहीं है, तुम रात में क्यों आई हो हाँ अपने घर परिवार छोड़ के जंगल में, भगवान टेस्ट कर रहे थे हमको। तो उसके बाद भगवान रुक जाते हैं वहां पे और गोपियों को काफी अंदर में अहंकार की फीलिंग आती है कि हाँ हम कितने फॉर्चुनेट हैं कृष्ण रुके। और जैसे ही भगवान ये सेंस करते हैं कि उनमें अहंकार आया, भगवान डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं वहां से। और फिर गोपियां ढूंढ रही हैं, तो भगवान बेसिकली खेल रहे हैं उनके भक्ति को और बढ़ाने के लिए, भगवान ने किया। तो वहां पे जब गोपियां ढूंढ रही हैं तो भगवान स्वयं चार भुजाओं वाले नारायण रूप में उनके सामने आ जाते हैं। हाँ ये आपके क्वेश्चन का आंसर है अमन, भगवान चार भुजाओं वाले नारायण रूप में उन गोपियों के सामने आके खड़े हो जाते हैं। इमेजिन करो पूरे अपने फलजंस के साथ, अपने सुंदर मुकुट वगैरह पहने हुए, चार भुजाएं, पूरा वैकुंठ लोक में भगवान किस तरह नारायण रूप में रहते हैं। और गोपी जैसी नारायण को देखती हैं, फटाफट सारी गोपी प्रणाम करती हैं नारायण को फटाफट, क्योंकि वो कृष्ण को खोज रही है कहाँ चले गए कृष्ण। और नारायण को प्रणाम करती हैं और प्रणाम करके खड़ी होकर पूछती है तुमने कृष्ण को देखा है। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था नारायण में, प्रणाम किया, ढूंढ किसको रही थी, कृष्ण को। और वो ही पूछने लगी कृष्ण को देखा तुमने, और नारायण से पूछ के चली जाती है। तो उनको वो इतनी एडवांस कर चुकी थी स्पिरिचुअली हाँ, कि उनको ये जानने की जरूरत नहीं है अभी हमारे लेवल पे नॉलेज, हु इज गॉड, डज गॉड एग्जिस्ट हाँ, दे आर वेरी स्पिरिचुअली एडवांस। ठीक है, हरे कृष्णा। परंतराशि में भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी।